संत की संगत टीवी देखने वाले सारे दर्शकों नूं मेरे वालों जय गौरव गर्ग वालों प्यार भरी नमस्कार। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाउणे आ मेला श्री कपाल मोचन हरियाणा जो कि पूरे धूमधाम नाल शुरू हो गया है। इस मेले शुरुआत मौके समुचे संतां महापुरशां भेख खड़दर सर वालों शाही कढ़ी गई जिस विच समुचे पंजाब हरियाणा अते राजस्थान के संतां महापुरशां ने अपनी हाजिरी लगवाई। समुचे मेले की कवरेज देखने लई साडे चैनल संत की संगत टीवी नाल जुड़े रहो। धन्यवाद। संत का संग वड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत का संग वड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई 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 है, संत का संग बड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत का संग बड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत की सेवा नाम त्याई है, का संग वड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत का संग वड पाकी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, संत की सेवा नाम त्याई सबते उत्तम हर की कथा
दुख लथा संत का संग बड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम त्याय है संत की सेवा नाम त्याय है संत का संग बड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम त्याय है संत की सेवा नाम त्याए दिन पहले दिन सब लोग संत भगवान आके स्नान करते हैं। सबसे पहले प्रथम कपाल मोचन का मेला बहुत सिद्ध पुरुषों का मेला है। यहाँ पर तो स्वयं शंकर भगवान जी आए, इसको ब्रह्म आते हैं। यहाँ पर भी गौ बछड़ा काले से स्पेद हुआ था और श्री राम भगवान सीता सब लोग आए स्नान करने के लिए और ऋण मोचन में पांडु और कृष्ण भगवान साथ में आया, सब ने स्नान किया। इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि साधु समाज के द्वारा यहाँ पर विशेष करके लंगर भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है। पूरे 14-15 लाख लोग आते हैं यहाँ पे, कहीं भी आपको होटल या ढाबा नहीं मिलेगा। और अब की बार मेले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। अब की बार प्रशासन ने पहले से तालाब भी पूरे पकड़ दिए हैं और तालाब सारे पक्के भी हो गए और बिजली की पूरी व्यवस्था, सफाई भी बहुत अच्छी है। पर एक छोटी सी डीसी साहब ने पता नहीं क्यों निकली, पिछली बारी हमने सीएम साहब से प्रार्थना करी थी कि भोजन के लिए लंगर जगह की पूरी फ्री व्यवस्था की जाए। पूरे देश में कुंभ में दूसरे मेलों में फ्री में ज़मीन मिलती है साधु महात्मा के, यहाँ अभी पूरी व्यवस्था नहीं है। तो कहे डीसी साहब ने कम करेंगे, लेकिन मुझे आशा है सीएम साहब तो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, शायद ये सारा उसको माफ़ कर देंगे तो इनका बहुत अति कृपा होगी और बाकी मेला ठीक है। और आप लोगों का सब बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार छायाकारों का।